السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل حر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. आठवां पारा है सूरह आराफ की, एक आयत मुबारक तिलावत की गई, आयत नंबर 33 है ये। अल्लाह सुभान व तआला यहाँ पे कुछ बातों का तज़करा किया है जो दो बुनियादी बातें हैं और अपने नबी को मुखातिब करके ये बात फरमाई कि आप उन्हें बता दीजिए, आप कहिए उनसे इन्नमा हर्रमा रब्बी अल्फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। हकीकत वाक़या ये है कि मेरे रब ने हराम किया है बेहयाई बेशर्मी के जितने भी काम हैं, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे वो खुले तौर पे हो चाहे वो खुफिया छुपे तौर पे हो, अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। और वल इस्मा हर गुनाह को, वल बग़या बिग़ैरिल हक़ और नाहक किसी के ऊपर जुल्म करना ज़्यादती करना उसे हराम किया। वन तुशरिकु बिल्लाही मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना और ये कि अल्लाह ने हराम किया अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक करो, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात में कोई ऐसी दलील नहीं रखी कि अल्लाह के साथ शरीक करने वालों के पास कोई हुज्जत हो, कोई दलील ही नहीं इसकी। वन तकुलु अलल्लाहि मा ला तअलमून और ये कि अल्लाह ने हराम करार दिया है तुम्हारे लिए कि तुम अल्लाह के मुतालिक ऐसी बातें कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, ये बहुत बड़ी बात है जी। आयत का इख्तिताम हो रहा है, आयत नंबर 33 है, आखिरी में जो बात फरमाई शिरक के बाद कि अल्लाह ने इस बात को भी हराम किया है कि अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात बोलना जिसका आपको इल्म नहीं है। ये बात यकुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल्फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, आप कह दीजिए कि हकीकत यह है कि मेरे रब ने हराम करार दिया कि हर वो अमल जिसके अंदर बेहयाई बेशर्मी हो। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हराम, बहुत कुरान मजीद में ये अल्फाज बहुत कम आते हैं हराम के, जैसे खाने पीने की अशिया के मुतालिक ही अल्लाह ने जो चार चीज़ों को फरमाया हराम, वहाँ पे भी इन्नमा हर्रमा वहाँ पे भी यही फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हराम किया है मुर्दार को खिंजीर का गोश्त, सुअर, इसी तरह बहता हुआ खून और इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और की खुशनुदी के लिए कोई अमल किया जाए वो भी हराम है। तो हराम के अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं कुरान में और जहाँ पे जिस गुनाह की संगीनियत को अल्लाह बयान करना चाहते हैं, यानी शदीद गुनाह है, वहाँ पे लफ्ज़ हराम लाया जाता है। वरना अल्लाह के तबारक व तआला के अवामिर आते हैं, अहकामात, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन जब हराम का लफ्ज़ आता है तो फिर अब नामुमकिन हो जाता है कि अब आप इसके अलावा यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है हराम का आप
आप उसको नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकते आप, यानी आप उसे जायज नहीं कर सकते, आप उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, आप उसको अमल में नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह ने इसको मुकम्मल तौर पे हराम किया है। कुरान मजीद में अल्लाह सुबहानहु व तआला बेहयाई और बेशर्मी के मुतालिक बहुत से अहकाम दिए हैं। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है ना, वो असल में बेहयाई है। बेहयाई के जो नतायज मुआशरे में निकलते हैं, अगर आप उसके ताल्लुक से आँख बंद कर लें, आप उसकी कोई नोटिस ना लें, आप कोई एक्शन ना लें आप अपने घर में या अपने पड़ोस में, तो फिर इसके नतायज बहुत भयानक निकलते हैं। कुरान मजीद में बड़े ताकीद के साथ बड़े ही अहकाम आए हैं। ये तो खैर एक आयत मुबारक आई, और बेहयाई के जितने भी रास्ते हैं बेहयाई तक जाने वाले, उन तमाम रास्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया है, मस्तूत कर दिया है। हम देखेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आगे चल के जैसे सूरह नूर के कुछ आयात पढ़ेंगे हम, और इसी तरह सूरह अहज़ाब में भी कुछ आयात आई हैं इस ताल्लुक़ से, उसके मुतालिक पर। अब आप देखिए कि एक बात तो यहाँ पे आई, और इसी तरह पिछली सूरत में भी ये आयत मुबारक इसी किस्म की आई थी कि कुल तअलव अतलु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम, आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे रब ने किन चीज़ों को हराम किया है। तो वहाँ पर ये अल्फाज आते हैं, वला तखरबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, तुम्हारा परवरदिगार इस बात को हराम किया है कि वला तखरबुल फवाहिश। यहाँ पे क्या लफ्ज आया है, हराम किया अल्लाह ने, और वहाँ क्या फरमाया सूरह अनआम में, तकरबु करीब भी नहीं जाना, इसकी वो भी हराम है तुम्हारे ऊपर। करीब नहीं जाने से मुराद क्या है, यानी बेहयाई के कामों को जाने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं बेहयाई के, उन तमाम रास्तों को अल्लाह तबारक व तआला हराम करार दे। सिर्फ बेहयाई हराम नहीं है, बल्कि बेहयाई बेशर्मी के काम तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब को हराम करार दे दे अल्लाह ने। जैसे जिना के मुतालिक फरमाया अल्लाह सुभान व तआला सूरह बनी इसराइल में, वला तखरबु ज़िना इन्नहु फाहिशा व सा सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि वो बहुत बड़ा बेहयाई का काम है और बहुत बुरा रास्ता है वो, उसके नतायज बड़े संगीन निकलने वाले हैं। ये अल्लाह सुबहानहु तआला सूरह बनी इसराइल में फरमाया, और यहाँ जो बात फरमाई जा रही है सूरह अनाम में और सूरह आराफ में, वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह सुबहानहु तआला शायद किसी गुनाह के मुतालिक ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए कि जाहिर और छुपे हुए, सिर्फ बेहयाई के मुतालिक है, हर गुनाह को गुनाह करार दिया, लेकिन बेहयाई के अंदर ज़्यादा काम छुप के होते हैं। क्या भाई, बेहयाई के जितने काम होते हैं ना वो ज़्यादा तौर पे छुप के होते हैं। हाँ, अब उसके अंदर शर्म आया मुकम्मल तौर पर जब ख़त्म हो जाती है ना, तो अलल ऐलान करता है वो काम उन्हें। इसीलिए दो बातें फरमाई, एक तो अलल ऐलान भी उसके करीब मत जाओ, दूसरी बात तुम छुपते छुपाते हुए ये काम मत करो। ये जितने भी होते हैं हमारे यहाँ शुरू में ये मामले जो शुरुआत होते हैं ना, ये छुप छुप के होते हैं। पहले तो आँख में चोली चलती है, पहले तो आँख से आँख लड़ती है ना। ये बहुत सारी बातें इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी आप वाकिफ़ हैं इस सिलसिले में। और फिर बात कहाँ से कहाँ तक चल जाती है, वो बहुत सारे हमारे यहाँ वाक़यात मिलते हैं कि माँ बाप को मालूम ही नहीं होता कि उसकी लड़की किसके साथ क्या कर रही है, या घर के अंदर रिश्तेदार आ रहे हैं, चचेरे भाई, खलेरे भाई, फुफेरे भाई, वो रिश्तेदार हैं तो आ रही जा रही, लेकिन किसकी आ किन से लड़ रही है, छुपते छुपाते जो इश्क चल रहा है ये मालूम नहीं हो रहा। लेकिन भयानक नतीजा क्या निकलेगा, जब वो कोई ऐसा काम कर देंगे तो उस वक़्त पता चल जाएगा आपको, और उस वक़्त पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। उसके सिवाय जिल्लत और रसवाई का और कुछ भी नहीं है, जिल्लत और रसवाई के और कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह सुबहान व तआला इस बात को बहुत सख्ती से रोका है, वो रास्ते के करीब भी मत जाओ तुम, जो रास्ता आपको बेहयाई के काम के ले जाता करीब ले जाता है। घर के अंदर आप देखेंगे अल्लाह सुबहानहु तआला पर्दे के अहकाम दिया सूरह नूर में,
पढ़िए सूरह नूर इंशाल्लाह। सूरह नूर में अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के सोसाइटी में बेहयाई फैले, बेहयाई फैले, बेशर्मी फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह फरमा दर्दनाक अजाब है। फरमाया अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते इसके नताइज क्या हैं। सो वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। सूरह नूर। फिर उसके बाद अल्लाह इसी सूरत में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान, ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। वमन यत्तबि खुतुवातिश्शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, जो भी अल्लाह उसके रसूल के तालीमात से हट के उसका जो भी अमल होगा उस शैतान के खुतुवात पे की पैरवी होगा, और तुम में से जो कोई भी अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े से हट के शैतान के पीछे चलेगा तो शैतान तुम्हें क्या हुक्म देगा, तुमसे क्या काम करवाएगा। अल्लाह खुद बोल रहे हैं फइन्नहू यामुरु बिल फहशा, तुमसे हर वो काम करवाएगा जिसके अंदर बेहयाई है। यामुरु बिल फहशा, देखो आप शैतान का सबसे पहला काम क्या था, यही है बेहयाई फैले तुम्हारे अंदर। या मुर्बिल वल मुनकर, और हर बुरी आमाल माशरे के अंदर वो जनाब अली तुमसे करवाएगा वो, लिहाजा शैतान की इत्तबा मत करो, उसके मत चलो। फरमाया तो शैतान के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला बात खुल के बता दिया कुरान में। हम सूरह आराफ पढ़ेंगे ना, आप सूरह आराफ पढ़िए, उसमें ज़्यादा नहीं शुरू के दो तीन रुकूच पढ़ लीजिए। अब आप घर में जाके उसमें अल्लाह तबारक व तआला शैतान का और आदम अलैहिस्सलाम का तफसील से वाकया बताया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत में रखा, उसके बाद दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया, फिर उसके बाद ये भी बता दिया कि देखो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे तुम बच के रहना, ये भी बात बता दी अल्लाह ने। लेकिन हुआ क्या, आप शैतान जो है आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाया, वरगल आया और खसमे खा खा के बताया अपने मैं हमदर्द तुम्हारा हूँ, वह खास समा हुमा इन्नी लकुमा लमिन नासिहिन, मैं वल्लाह मैं तुम दोनों के लिए खसम खाता हूँ, यानी उनको अपने यकीन में ले लिया, खाली भी नहीं खसमे खाया। वह खास समा हुमा इन्नी लकुमा लमिन नासिहिन, और मैं खसम खा के कहता हूँ तुम दोनों से कि मैं तुम दोनों का हमदर्द हूँ, खैर खाओ मैं तुम दोनों का। उसके बाद क्या कहा शैतान ने, देखो अल्लाह ने उस दरख्त के करीब जाने से तुमको मना कराया ना, क्यों कराया तुमको मालूम है, दोनों अभी तो मासूम है ये लोग, मियाँ बीवी आदम और हव्वा। तो शैतान ने कहा अल्लाह ने तुमको उस दरख्त के करीब जाने से, दरख्त का फल खाने से इसीलिए मना किया है, अगर उस दरख्त का तुम फल खा लोगे तो फिर हमेशा तुम जन्नत में रहेंगे, जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे तुम। ये बात है असल में। और फिर ज़ाहिर है कि इंसान की ये एक कमज़ोरी है, वो जिस चीज़ से मना करते उसका दिमाग उधर ही जाता, क्या भाई ये कमरा है, ये घर है, ये अब सब जगह जाना मगर यहाँ नहीं जाना, तुम बोले तो वहीं दिमाग वहीं जाता, आखिर यहाँ क्यों नहीं जाना। हाँ तजस्सुस, तो ये तजस्सुस था उनकी फितरत में, और शैतान उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और उठा के खसम खा के बोला मैं दोनों का हमदर्द हूँ। वो इसीलिए अल्लाह बोले कि तुमको जन्नत में रहना है, जन्नत से तुम नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को जन्नत में रखते हुए पहले बोला कि जन्नत में रहना है कुछ दिन, तुमको फिर ज़मीन में जाना है, वहाँ पर अमल करना है, फिर अमल करके जन्नत में आना है। ये तो आदम अलैहिस्सलाम को पहले बोल दिया, बता दिया गया था। अब शैतान जनाब अली बोला कि ये कमज़ोरी है आदम अलैहिस्सलाम, वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और आदम अलैहिस्सलाम बोल रहे इतनी अच्छी जन्नत छोड़ के मैं कहाँ जाके ज़मीन में मेहनत मजदूरी करूँ। भाई बात सही बोल रहा है शैतान, ये इसीलिए अल्लाह मना करा मेरे को, ज़मीन में मैं जाऊँगा नहीं, वहाँ जाने से बच जाऊँगा बोल के आप उसको खा ली। तो अल्लाह तबारक व तआला उस वाक़े को
रेफर करते हुए फरमाया कि देखो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप को उसने जन्नत से नंगा करके उतारा है, निकलवाया है ना। कुरान में इसका जिक्र, वो जल दरख्त का फल खाए आदम और हव्वा के जिस्म के ऊपर जो जन्नत का लिबास था वो उतर गया, और उस वक्त जो है आदम और हव्वा दोनों मिलके जो ना जन्नत के दरख्तों के पत्तों को जो ना तोड़ के उन्होंने अपने जिस्म को छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला बता को शैतान इस कदर तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे माँ बाप को उसने इस तरह उसने जन्नत से नंगा करके निकलवाना, तुमको भी नंगा कर देगा, तुमको भी नंगा करेगा जैसे तुम्हारे माँ बाप को नंगा किया उसने। और कर रही है वाकया पढ़ो कुरान में, दूसरे तीसरे रुकू में तफसील से आती है ये बात। अब इस सिलसिले में आप गौर फरमाइए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला इंसान को चाहे मर्द हो चाहे औरत हो जिनसी मामलात में बहुत कमजोर पैदा किया है। इंसान जिनसी मामलात में बहुत कमजोर है, हर जगह वो मुकाबला करेगा शैतान का, लेकिन मामला जहां पे जिन्स का आ जाएगा ना यहां पे मार खाएगा वो अल्लाह ने जैसा कि कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जुलेखा और यूसुफ का, उसने जो डोरे डाले थे ना वहां पे, तो वहां पे वही बात अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि खैर वो तो बिल्कुलिया तौर पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उरफ फिदा हो गई थी, डोरे डाल रही थी, और वहां पे अल्लाह तबारक व तआला एक बात फरमाया अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर हमारी बुरहान अगर नहीं देखते तो वो भी फिसल जाते, फिर मामूली बात नहीं है। जिनसी मामलात में इंसान बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। कम से कम आदमी जो है कुछ नहीं कर सकता जिनसी जिस्मानी तौर पे, मगर दिमागी तौर पे वो सारी कामें करता है। उन्हें बाज लोग ऐसे हैं कि जिनसी तौर पर जनाब यार बिल्कुल वीक होकर कुछ कर ही नहीं सकते हो जिनसी मामला, मगर उनका दिमाग जो है ना वो चलते रहता है, जिसको हम कहते हैं कि जहनी अय्याशी, लुत्फ लेना उससे। तो इंसान जो है इस मामले में बहुत कमजोर वाकई हुआ है। वो सूरह निसा में एक आयत मुबारक आती है ना, वो इसी सिलसिले में अल्लाह ताला बयान करते फरमाते हैं खुलिकल इंसान ज़ईफा, खुलिकल इंसान ज़ईफा, बेशक इस मामले में इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया है, नहीं बच सकता इसमें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ा ही नाजुक मसला है, अल्लाह ने इसको इतनी जतन फरमाए हैं, हर उस रास्ते को बंद किया है जो बेहयाई बेशर्मी की ओर ले जाने वाला है। हम कुरान पढ़ते नहीं, हमको मालूम नहीं है आखिर क्या क्या अल्लाह ने अहकाम बताए हैं। अब मैं कुछ आयत आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। मैं इसीलिए बात कह रहा हूं कि अभी एक बहुत बड़ा फितना जो है ना हमारे माशरे में सर उठाया हुआ है। हमारे उलमा जो मिल्लत के जिम्मेदार हैं उन्होंने बासाबदा इसका सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद जो रजिस्टर्ड मैरिज हुए हैं इंडिया लेवल के ऊपर, रजिस्टर मैरिज अदालत में रजिस्टर ऑफिस में जो होती है ना, तो 8 लाख मुस्लिम लड़किए गैर मुस्लिमों के निकाह किए, 8 लाख मुस्लिम बच्चे हमारी बेटियां हमारी बहने, ये तो रिकॉर्ड की बात हो रही है, इससे दुगने तिगने होंगे बगैर रिकॉर्ड के, है ना। वो जो बिल्कुल बोल लड़कियां होती है ना वो तो जा ठीक है ना, माँ क्या ऐसे चलो हम कर लेंगे, वो उनके रिकॉर्ड आ रहा है। उसके अलावा छुपते छुपाते जितने हुए अल्लाह बोला ना यहाँ पे, छुपे छुपे तौर पर भी हराम है, खुफिया तौर पर भी हराम है, अलालान भी हराम है, लव इस्तेमाल किया गया खुफिया का, क्योंकि काम ज्यादा तौर पर छुप छुपा के होते हैं, मना कर दिया गया अल्लाह सुबहाना व तआला। तो इसीलिए माशरे के अंदर इसका शऊर पैदा करना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त आप ये इत्तला मिलने के बाद, ये खबर आप तक पहुंचने के बाद, आप सुकून से ना बैठ सकते हैं, सुकून से खा सकते हैं। कोई मामूली बात नहीं है ये कि एक मोमिन बच्ची, एक मुसलमान की बच्ची एक काफिर के निकाह के अंदर बाहों में सो रही है।
और उसे बच्चे भी पैदा कर रही है, फिर उसके बाद उसको धोखा देके उसको छोड़ के फुटपाथ पे चला जाता, वो एक धोखे के तहत ये काम हो रहा है, एक बहुत बड़े धोखे के तहत ये काम हो रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कुरान की तरफ लौटे, हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जिस बात की पाबंदी लगा दी गई है वो यही पाबंदी है, इफ्त और इज्जत, पाक दामनी, पाक दामनी, शर्म हया, ईमान है, ये ईमान का हिस्सा है, ये शर्म हया। लेकिन आज हमारे घरों के अंदर जो बर्बादी हो रही है इस वक्त, या हमारी बच्चियां जहां पे पढ़ने जा रही है कॉलेजों के अंदर, बहुत सारे मकामात के ऊपर, इसमें जाहिर है कि शैतान तो खुला दुश्मन है, अल्लाह बोल दिए ना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, अगर तुम उसकी बातों में आएंगे सबसे पहले वो तुमको बेहयाई के काम में मुबतला करेगा। क्योंकि इंसान की, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, इंसान की इज्जत का दारोमदार उसकी हया है असल में, और खसूसियत के साथ औरत का जो जेवर है उसकी जो कीमत है, शर्म हया है उसकी। मर्द को आप बाजू रखे थोड़ी देर के लिए, खास तौर पे औरत का जेवर है उसकी जो कीमत है वो सिर्फ शर्म हया है। जब शर्म हया उसको लुट जाती है, मुआशरे के अंदर उसका कोई वेट बाकी नहीं रहता, बाद में उसको जनाब याली टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर देते लोग, जैसा मुंह पोछ के फेंक दिया आप, उस तरह आज यूरोप के माशरे में आप देख लीजिए कि क्या हालत है औरत का, यही हालत है, इस्तेमाल कर दिया उसको, छोड़ दिया बरखास, कोई उसकी इज्जत नहीं है। कि इस्लाम ये चाहता है कि इज्जत औरत को जो दिया है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए वो तमाम रास्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया है जो जिना की तरफ ले जाती हैं, बेहयाई की तरफ ले जाती हैं, उनको कुरान में तफसील से अल्लाह सुबहान व तआला बताया। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह सुबहान व तआला ये बात फरमाते हैं, ये सूरह नूर है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आयात आपके सामने, घर के अंदर कब आवे। अब देखिए कितनी पाबंदी लगा दे रहे हैं अल्लाह सुबहान व तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, जब तुम अपने घरों के अलावा दूसरे घरों को जाना चाहो, जाते हैं घर, रिश्तेदार है तमाम है ना, जाते हैं रिश्तेदारों के घरों को जाते हैं, दोस्त अहबाब के घरों को जाते हैं, अल्लाह हुक्म दिया वहाँ पर ला तदखुलू बुयूतन, मत दाखिल हो जाना तुम अपने अलावा किसी और के घर में, हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक कि तुमको वहाँ से इजाज़त ना मिल जाए। तस्तानिसो, जिसके अंदर दो माने पैदा होते हैं, एक तो आपको इजाज़त के पैदा होते हैं और दूसरे माने ये भी पैदा होते हैं इसके अंदर कि आप जिस घर वालों के पास गए हैं वो आपको अंदर बिठाना चाहता है, जरा ताड़ लो उसको। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नागवारी तौर पे तो नहीं बोल रहा अंदर आओ बोल के, है ना, अंदर से वो चाह रहा है या नहीं। दस्तानी सो, आपसे उसकी दोनों की उनसियत हो जाए, मोहब्बत हो जाए, और वो फिराक दिली के साथ आपको घर में बिठाना चाह रहा, तो तुम क्या करो, हत्ता तस्तानी सो तो सलीम अहलिया, जब ये बात हो गई मालूम तो तुम दाखिल हो जाओ उनके घर में, लेकिन दाखिल होने से पहले घर वालों के ऊपर सलामती की दुआ करते हुए जाओ। आप देख रहे हैं ये बात, जालिकुम खैरुल लकुम, इसी में तुम्हारी खैरियत है, इसी में ये जो तरीका हम बता रहे हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं जो तरीका अल्लाह बता रहे हैं ना, इस तरीके में तुम्हारी खैरियत है, तुम्हारी भलाई है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको अल्लाह की बातों से। क्यों बताइए बात, आगे चल के बात आ रही है, फ़इल्लम तजिदु फीहा अहदन फला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम, बस अगर घर के अंदर कोई लोग मौजूद ना हो तो उस घर में दाखिल मत हो, हत्ता युज़न लकुम, यहां तक कि तुम्हें अंदर से आवाज ना आ जाए इजाजत की। वइन क़ीला लकुम उर्जिउ फ़र्जिउ हुवा अज़का लकुम, तुम अंदर बाहर से आवाज दे रही, खटका मार रही, बेल मार रही है ना, अंदर से आपको आवाज आई कि भाई
अंदर वाले सुखत मिलने के मौकूफ में नहीं है आपसे। हो सकता है उनका कोई जरूरी काम हो अंदर घर में, हो हालात घर में किस हालत में हो, आपको क्या, आप तो जुब्बे के चले गए, आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के आप चले गए। नहीं जाने से पहले आप, आज के दौर में फोन आपके पास है, मैं आ रहा हूँ भाई एक डेढ़ बजे दो बजे दो घंटे के बाद, तो ठीक है बात। लेकिन आप किसी के घर को जाते जाते चले गए, रास्ते में हैं, अब जाते जाते उसको क्या मालूम कि आप आने वाले हैं, वो घर में किस हाल में है क्या पता, है ना। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं अगर वो अंदर से आपको आवाज दे नहीं भाई नहीं मिलना चाह रहे वापस चले जाओ, तो अल्लाह क्या बोल रहे, फर्जी हो वापस जाओ खामोशी के साथ, दिल में कोई ख्याल नहीं करना, फिर अब दिल में कोई ख्याल लेके वापस नहीं होना। क्या फरमाया देखो आप, मामूली फिर फरमाया फर्जी हो अज़कालकुम, अगर तुम बगैर किसी कबाहत के बगैर किसी दिल में कोई ख्याल लाए के वापस चले गए, तो अल्लाह फरमाते हैं तो फिर तुम्हारा दिलो दिमाग पाक है, फिर अगर नहीं है ऐसा तो फिर तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई मैल है, और ये अल्लाह जानता है। वज़कालकुम वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, फाती बोल दिया, और देखो अल्लाह तुम्हारे आमाल का इल्म रखता है, आए क्यों थे, जा रहे हैं क्यों, क्या किस्सा है, क्या नियत लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल ये बात यहाँ पे आई, और आगे चल के ये बात फरमाई गई अगली आयात में, पर्दे के अहकाम थी, अब पर्दे के अहकाम, और पर्दे के अहकाम में सबसे पहले अल्लाह ने ईमान वाले मर्दों को पर्दे, मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया, किसे, बाद में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, और सबसे पहले मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया। और ये पर्दा कौन सा है, ये पर्दा निगाहों का है। यहां जो बात फरमाई जा रही है आप सुन लीजिए आयत मुबारक का, खुल्लिल मोमिनीना यगुज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले मर्दों से आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए, अपने निगाहों को नीची रखें, शर्म हया पैदा करें अपनी निगाहों के अंदर, निगाहों के अंदर कोई ऐसी शरारत ना हो। असल पर्दा निगाहों का है पहले, और ये अल्लाह ने मर्दों को पहले हुक्म दिया। औरत अगर कितने ही पर्दे में क्यों ना हो, अगर तुम्हारी निगाहों में शर्म हया नहीं है तो उसका पर्दा करना तुम्हारे लिए बेमाने, ताक झांक चीर हो जाएगी। कैसी तरबियत कर रहे अल्लाह सुभानहू व तआला, तरबियत हो रही है, और नबी को हुक्म दिया जा रहा, बोल दीजिए ईमान वालों को आप, वो अपने निगाहों को नीची रखें, शर्म हया पहले निगाहों में, अगर शर्म हया निगाहों में अगर है, अगर कोई बेपर्दा भी खातून अगर नजर आ गई तो अगर तो आप नजर फेर लेंगे आप, अगर आपकी निगाहों में अगर शर्म हया का पर्दा है तो आप फिर उसके ऊपर तांग झांक नहीं करेंगे आप। ये अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं, यगुज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम, और साथ में फौरी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला निगाहों को नीची रखो शर्म व हया से, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। फौरी जुमला है ये, क्योंकि इंसान जैसे ही बेशर्मी की निगाह किसी पर डालेगा तो उसका असर फौरी उसके कहाँ होगा, शर्मगाह पे होगा उसका, वहां तक फौरी चला जाएगा वो चीज, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना तेज है ना सेकंडों के अंदर। अब आप देखिए मामूली बात नहीं, कोई चीज़ आप खट्टी मिट्टी जबान पे डाले आप उसको, आंसर आने के लिए कितनी देर लगती, सेकंड, सेकंड भी नहीं लगता। यही कुछ निगाह का है, निगाह किसी औरत पे पड़ गई आपकी तो जारे कि दिमाग जनाब याली फौरी इंफॉर्मेशन दे देता आपके शर्मगाहों को। सेक्स कैसा पैरे बिठा अल्लाह सुभान व तआला, आज जो माशरा बिगड़ रहा है, आज हमारी बहन और बेटियां बेशर्मी के काम कर रहे हैं, ये सारे नतायज इसके लिए हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है, और हम समझ रहे हैं कि नमाज रोज़ा हज काफ़ी है बस ख़त्म, बाकी की चीज़ें ये नमाज रोज़ा काम में आने वाला नहीं है आपको, है ना। नमाज के मुतालिक भी कुरान में हुक्म है ना भाई, क्या फरमाया, इन सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज सबसे पहले आपको बेहयाई के काम से रोकती है। अगर आप बेहयाई के काम से नहीं रुक रहे नमाज पढ़ने के बाद,
ये नमाज आपकी धोखा है। क्या है? धोखा। आप खुद धोखे में नमाज पढ़ के इस वक्त अगर बेहयाई से नहीं रुक रहे तो, क्योंकि अल्लाह क्लियर बता दिया बेहयाई से रोकती है, बेशर्मी के कामों से रोकती है वो। यहाँ जो बात फरमाई गई है ना, अच्छा फिर उसके बाद जो आयत मुबारक आ रही है, अब तो यहाँ भी ऊपर जो बात आई मर्दों की आई, आप कह दीजिए कि मर्द मोमिनीन से कि वो अपने निगाहों को नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। जालिका इसका लहुम, उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अगर ऐसा करोगे तुम तो इसी में तुम्हारी पाकी है, दिलो दिमाग की तुम्हारे निगाहों की पाकी है इसमें। अस्का लहुम फरमाया अल्फाज, जालिका अस्का लहुम, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे आंखों की पाकी है। ये ऐसा अगर करोगे तुम्हारे आंखों की पाकी होगी। और आप कुरान में हम पढ़ते हैं ना, एक मोमिन हर चीज की पाकी के बाद ही वो जन्नत में जा सकता है। तो कुरान में क्लियर है बात, खद अफलाह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब है वो आदमी जिसने अपने नफ्स को हर किस्म के नाफरमानी से पाक कर लिया। जालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये जन्नत उन लोगों के लिए है जो हर किस्म की बुराई गंदगियों से अपने आप को पाक करके आए दुनिया में। तो कुरान बोल रहा भाई, कुरान के जुमले जो है ना ये फैसला कौन होते हैं। अस्कालकुम, उसके बाद फिर अल्लाह फरमाया, देखिए अब आप के हुक्म देने के बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं आप, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, बेशक अल्लाह तुम जो कुछ भी करते हो, जो चीज़ भी तुम बनाते हो, बनावट की बात है यहाँ, लफ्ज़ बिमा तामलून नहीं है। कुरान में अक्सर क्या फरमाते हैं, तुम्हारे अमाल से अल्लाह बाखबर है, लेकिन यहाँ पर तामलून नहीं है, यसनाउन है। यसनाउन यसना के माने क्या होते हैं, सना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाने के माने सना आते हैं। अब सना के माने यहां क्या फरमाते हैं, अगर हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म दिया है, तुम कितने भी हीले हवाले कर लो, कितने भी बातें आप बना लो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वो अल्लाह जानता है। कितने भी बनावट की बातें कर लो भाई तुम, अरे मैं तो जा रहा था, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो वैसा ऐसा, सारे आप दूसरों को बनावटी बातें, यसनाउन, अल्लाह उसे जानता है। उसके बाद ख्वातीन से मुताल्लिक बात आ रही है, वो खुल्लिल मुमिनीना यगदुदुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफजना फुरूजहुन्ना, और आप मोमिन औरतों से कह दीजिए, मोमिनात से, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए, जिस तरह मर्दों को अल्लाह बताए उसी तरह अपने रसूल को बोल रहे हैं, अब औरतों को भी बता दीजिए आप, वो क्या कि वो अपने निगाहों को नीची रखे। शर्म हया असल यहाँ है, शर्म हया अगर निगाहों में नफ्स में नहीं है तो कितने भी तुम मोटे से मोटे बुरखे पहन लो आप, क्यों आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, गलत काम करने वाले ज्यादा तौर पे बुरखे पहन के कर रहे हैं, है ना, बुरखा तो क्या हुआ उसे, बुरखा नहीं, असल चीज शर्म है आपके नफ्स में होना है, आपके निगाहों में होना है, वो नहीं है तो कितने भी बुरखे पहन लो आप, बल्कि गलत काम करने वाले तो बुरखे पहन के कर रहे हैं आप। ये बात अल्लाह सुबहान व तआला फरमा, इसीलिए फरमाया कि सबसे पहले निगाहों को अल्लाह हुक्म दिया कि तुम्हारी निगाहें पस्त होनी चाहिए, तुम्हारी निगाहें नीची होनी चाहिए, तुम्हारी निगाहों में शर्म हया होना चाहिए तुम्हारे। अल्लाह ने जो अहकाम दिया है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जनाब आली यानी हराम जो रिश्ते हैं जिनसे तुमको अल्लाह ने फरमाया कि उनसे दूर रहना है तुम्हें, उनके करीब नहीं जाना है। अब देखिए कि घरों के अंदर जाने की बात जो गुजर चुकी पीछे, वहां पे अल्लाह ताला क्या बात फरमाया कि बगैर इजाजत के अंदर नहीं जाते, उसके बाद भी फिर उनकी चाहत भी होना आपको घर में बिठाने की। तीसरी बात, इस सिलसिले में एक सहाबी का वाकया आता है हदीस में, एक सहाबी आके पूछे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में मैं और मेरी माँ दोनों ही रहते, मैं मेरी माँ दोनों ही रहते हैं, तो क्या मुझे भी इजाज़त लेना है, क्योंकि माँ तो माँ है ना भाई, उससे कहीं का पर्दा है, दो ही आदमी रहते मैं और मेरी माँ, क्या मुझे भी इजाज़त लेना पड़ेगा। ज़रा गौर से सुनिए बात को,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ इजाजत लेना पड़ेगा तुझको। फिर पूछा उसने, या रसूल अल्लाह नहीं, मेरे कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी माँ है। हाँ इजाजत लेना पड़ेगा। तीसरी मरतबे फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ है और दूसरे कोई भी नहीं है। उसके बाद आपने गुस्सा होते हुए फरमाया, क्या तू अपनी माँ को नंगा देखना चाहता है? क्या फरमाया? क्या तू अपनी माँ को नंगा देखना चाहता है? मतलब क्या इसका? हो सकता है कि तो बाहर गया हुआ है, माँ नहा रही होंगी, धो रही होंगी, है ना, माँ कपड़े बदल रही, कुछ भी होंगी, अब सिर्फ बोल के घर में घुस गए तो किस हाल में तुझे मालूम है? फिर चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो घर में आपके, लेकिन आप जब घर के बाहर से फिर घर में आ रहे हैं तो आपको कोई तरीका अपनाना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूं। जिप बोल के घुसने का मामला है ही नहीं है हमारे पास, गलत है, बोले मेरा घर है, घर में है कोई, कोई भी नहीं है घर में, अल्लाह मना किया इस बात को। देखिए आप, और फिर ये बात भी आती है हदीस के अंदर, जब तुम किसी से मिलने जाओ, किसी का घर का दस्तक खटकाओ, खटखटाओ, तो घर के दरवाजा जो होता है ना, रूबरू में मत ठहरो। क्या फरमाया? दरवाजे के सामने नहीं ठहरना, इधर या उधर बाजू ठहर के आवाज देना तुम, ताकि घर वाला खोले कोई औरत, ताकि कोई आपकी एकदम कोई निगाहना पड़ जाए। आजू बाजू ठहर के आपको आवाज देना है, एक बात। दूसरी बात, ये बात फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दस्तक दो, तुम तीन दफे आवाज दो। कितने? तीन दफे। तीन दफे के बाद भी अगर कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही या कोई इजाजत नहीं मिल रही तो आप वहां से वापस हो जाओ। इससे ज्यादा आपको इजाजत नहीं है, तीन से ज्यादा। जी अल्लाह सुभान व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाई है। अब यहाँ जो बात आ रही है, देखिए आप, कि आप कह दीजिए मोमिनात से कि अपनी निगाहों को नीची रखे। ये पर्दा पर्दा पर्दा, गोशा गोशा, ये जनाबे हम जो वाज बयाना हो रही ना, ये खाली ऊपर ऊपर की मालिश है। ये असल उसके अंदर शर्म हया पैदा करना है। क्या पैदा करना है? शर्म हया पैदा करना है। और शर्म हया मर्द में भी होना, औरत में भी होना है। शर्म हया के मर्द के कुछ हुदूद हैं और औरत के कुछ हुदूद हैं। जैसे लिबास के मुतालिक मर्द के कुछ हुदूद है ना, है ना। अब सदर का मामला मर्द का क्या है? कमर से लेके घुटनों तक अगर उसका लिबास आ गया तो सतर है, बस खत्म उसके लिए। समझ में आ रहा? लेकिन औरत के लिए सतर क्या है? उसके पूरा जिस्म सतर है। इसी तरह हुदूद है इसके। अब जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह ने पर्दे का, वो पर्दा पहला मर्दों का क्या था? निगाहों का पर्दा था। निगाहों का पर्दा था कि तुम नीची रखो, निगाहों को पस्त रखो। लेकिन औरतों को वही हुक्म दिया गया, लेकिन उसके बाद औरतों को मजीद अहकाम दिए गए उनके जिस्म की बनावट के हिसाब से। वो अगले आ रही है बात। मोमिन खवातीन से भी आप कह दीजिए मोमिनात यग़ज़ुना मिन अबसारिहिन्न, कि वो अपने निगाहों को पस्त रखे, नीची रखे, नहीं शर्म आया। वयहफ़ज़ना फुरूजहुन्न, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहों से बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक होता है इसका, इसीलिए अल्लाह कुरान में फौरी उसका जिक्र करते हैं। आगे चल के अब जो बात आ रही है, देखिए अब, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। आप हुक्म दे दीजिए कि औरतें, ख़वातीन, लड़कियां, वो अपनी जीनत को, अपने बनाव सिंगार को जाहिर ना करें। हाँ, लफ्ज क्या आया यहाँ पे? वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, जीनत इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो चीज फितरी तौर पे खुल सकती है, जाहिर हो सकती है, जाहिर करना नहीं है उसको, जो चीज खुद ब खुद जाहिर हो सकती है, वो क्या है? वो इंसान की कलाई है, इंसान का चेहरा है, औरत का, ये चीज है जो खुद ब खुद, ये बात घर के अंदर की हो रही। कहा की हो रही? घर के अंदर की। घर में है, बहन है, बेटियां है, भाइयां है, समझ में आ रहा, वालिद है, ये सब है, उनके सामने की बात हो रही है। गैर महरम तो सवाल ही नहीं है,
बल्कि यहाँ क्या बात, किसके लिए हो रही है बात? घर के अंदर जो महरम है, जिससे निकाह हराम है, उनके दरमियान में क्या कैसा रहना है आपको, वो बात हो रही है। इसको जरा अच्छी तरीके से ध्यान में रखो आप। अल्लाह खास तौर पे अपनी किताब में वही नाजिल करके अल्लाह फरमा रहे हैं, इसे मामूली बात नहीं है कोई। ये हमारे पास वजू के मसाइल, गुसूल के मसाइल, इसकी दिलचस्पी बहुत है ना। ये मसाइल नहीं, तो एहकाम है, ये वो मसाइल है, वो ये बिर्रास हुकुम है, ये उसके मुतालिक क्या हम कमर रहे हो हमारे घरों के अंदर। और फिर इसका पूरा जिम्मेदार हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का है ना सदर खानदान, घर का जो बड़ा है ना, वो जिम्मेदार है इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं। अच्छा, अब ये घर के अंदर जो बात हो रही है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो जाहिर हो जाए खुद ब खुद। फिर उसके बाद अल्लाह हुक्म दे रहे हैं ना, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन अला जुयूबिहिन्ना, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। तीन जुमले इसके, पहला जुमला क्या है? पहला जुमला यह है, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, कि वो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए घर के अंदर लड़कियों को, बेटियों को, कि वो अपने सीने के ऊपर दुपट्टे डाली रहे, सीनों पे हमेशा दुपट्टे डाली रहे। आप देख रहे हैं, आप मामूली बात नहीं है ये। हमारे पास कल तक जो कल्चर था, ज्यादा दूर की जो नहीं है बात को, सिर्फ पीछे हम पलटे 30-40 साल पहले भी, घरों के अंदर कैसे पर्दे हुआ करते थे। घरों के अंदर हम बचपने में जानते थे, हमको मालूम था रिक्शा को चुकाओ पर्दा है क्या, पूछो क्या बोले, पर्दा नहीं है तो नहीं। दावतों में बाजाबता घर का बुजुर्ग गेट पे को ठहर के पर्दा नशीन खवातीन को जो है ना, वो ठहर के उनका इस्तकबाल करके पर्दे लगा के अंदर छोड़ा करते थे। ये सारी बातें है ना हमारे पास, ज्यादा बात नहीं, को 100-200-300 साल की बात रही। अच्छा, आप देखें, जो कि मुसलमान इस मुल्क के ऊपर तकरीबन 600-800 साल हुकूमत की है ना, तो मुसलमानों का जो कल्चर है ना, वो गैर मुस्लिम भी अपना लिए थे। आप उधर ऊपर चले जाए, राजस्थान है, जैसे आपके और कौन से 2-3 आते हैं ना उधर स्टेट, उनकी खवातीन जैसे राजपूत वगैरह है ना, आप देखिए कि जब वो शादी भी करते हैं तो घर के अंदर देवर से, सुसरे से हमेशा सर के ऊपर पल्लो डाल के वो चेहरे के नीचे तक रखती थी। वो मुसलमान नहीं है वो, क्योंकि मुस्लिम का कल्चर जो था उसको अपना लिए थे लोग, और आज भी है उनके पास, वो आज भी उनके पास बाकी है। जिन्होंने हमारी नकल की है ना, वो उनके पास बाकी है वो आज भी। आप जाइए वो सेठ देखिए आप, लेकिन हमारे पास खत्म हो गया। जिनको बिर्रास हुकुम आया था कुरान का, उनके पास तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, और जो हमारी नकल करे थे वो बराबर उसको अपनाए हुए हैं। उनके खवातीन शर्मो हया। तो अल्लाह सुभानहू व तआला जो बात फरमाई कि वो अपने सीनों के ऊपर हमें क्या करो, अल्लाह फरमाया अपने गिरेबा। तो हमने देखा था पहले कैसा होता था, हमारी खवातीन, हमारी लड़कियां जो है, पहले जो दुपट्टा डाली करती थी ना, सर के ऊपर से लेके अपने सीने पे जो घुमा के पूरा जो है कवर करती थी उन्होंने पर्दा। अब उतरा कैसा वो, पहले एकदम शैतान आपको डायरेक्ट अटक नहीं करता, पूरा उतार के फेंक दो नहीं करता, आहिस्ते आहिस्ते आपका दिमाग बनाता उन्हें, हल्लू हल्लू आपके कपड़े कम करवाता, कपड़े उतरवाता नहीं उन्हें, पहले जहन बनाता आपका,
वसवसे डाल डाल के आपका जहन साजी करते रहता है। तो हमारा दुपट्टा उतरा कैसे? अब सबसे पहले सर पे से उतरा है ना, फिर उसके बाद सीने पे था, फिर उसके बाद क्या हुआ, सीने से निकल के सीधे गर्दन में आ गया है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, गर्दन से निकल के खांदे पे आ गया, सही है नक्शा, खांदे पे आ गया। और खांदे से भी अब क्या हुआ, हमारी लड़कियां क्या कर दिए, खांदे से निकाल के लड़कों को दे दिया, पुनो डाल के फिर रहे शादी में खांदे पे, लड़कियां नहीं डाल रही हैं, कौन डाल रहे, तुम रख लो पर्दे, ऐसा उतरा। और अल्लाह सुभान व तआला, अभी कुरान पे ईमान है बोल रहे हैं, फिर कमाल ही है, कुरान पे ईमान है, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अजीम किताब है, कुरान बरकत की किताब, ये सब बोल के कुरान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, कुरान की मुखालिफत खुद मुसलमान कर रहा आप, तो फिर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के अजाब में नहीं तो कैमे आएंगे उन्हें, आप अल्लाह इस कौम की हिफाजत क्यों करेगा जबकि हम अल्लाह की किताब की हिफाजत नहीं कर रहे, हम उसके अहकामात की हिफाजत नहीं कर रहे, अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों करेगा फिर, नहीं है ना। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम मेरे दीन के ऊपर पाबंद हो जाओ, मेरे दीन की मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो नहीं। यहां जो बात फरमाई गई, अल्लाह सुभान व तआला वहां पे अल्लाह फरमाते घर के अंदर तुम अपनी जीनत को छुप यानी खुला रख सकती हो, किन के सामने, जिन जो हराम रिश्ते हैं, जैसे तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बाप हैं, इस रिश्ते जो रिश्ते हैं उसके डिटेल आई यहां पे, अब तफसीलात ये तो हराम रिश्तों को बयान कर दिया ऊपर, इनके सामने निकल सकते हो तुम, से भाई है बहन है, वो रिश्ते जो निकाह जिनके लिए हराम हो, तो रिश्ते की तफसील है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं या ऐसे मर्द रिजाली, फरमाया जो औरतों के पोशीदा बातों से बेखबर है, खास तौर पे उनको वो होता है क्या बोलते हैं आपके वो मिसे मुखन्नस कहा जाता है ना, उस किस्म के लोग। और फिर अवितफिल लजीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या फिर ऐसे लड़के अभी तक उनके ऊपर औरतों की वो सेक्स की बातें जाहिर नहीं हुई, अभी उनकी उम्र ही नहीं हुई समझे आप, उनके सामने तुम रह सकते हो घर के अंदर। उसके बाद फिर फरमाया कि वला यज़रुना भी अरजुल इन ली उलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, यहां तक घर के अंदर की बात थी, अब ये घर के बाहर की बात हो रही है। घर के बाहर की बात यह कि अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, तो अब मैं आपको थोड़ा सूरह अहज़ाब में लेके जाऊंगा, तो वहां पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, आप अपनी बेटियों को और तमाम ईमान वाली औरतों को आप ये हुक्म दे दीजिए पर्दे करने का। घर के बाहर का मसला अभी आ रहा, वहाँ अल्लाह फरमाते हैं युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि वो जब घर से किसी ज़रूरत के तहत बाहर निकले तो वो अपने पूरे जिस्म को ढाक ले और एक चादर ओढ़ ले, और वो चादर सर के ऊपर हो, और सर के ऊपर से उस चादर को थूटी के नीचे तक खींचे, वो जिलबाब कहते हैं इसे, जिस तरह ईरानी देखे होते हैं ना, उनका जो चादर होता है ना, वो बुरखे नहीं पहनते, तराशे हुए वो चादर, तो यही रहा करता था, फुल चादरें ओढ़ के अपने पूरे जिस्म को लिपट लेके, और सर के ऊपर का कपड़ा इजाफी जो है वो थोड़ी तक नीचे खींचे ताकि उनका चेहरा नजर ना आए, ये होता है जिलबा। फरमाया आप अपनी बीवियों से और आप अपनी बेटियों से और तमाम ईमान वाले औरतों से कह दीजिए कि वो जब घर के बाहर निकलें तो चादर ओढ़े और अपने चेहरे को छुपाए सर के ऊपर से, और उसके बाद जाली का अदना यौरफना फला यूज़ैन, जाली का यौरफना
देखिए ये असल बात, अब नतीजा अल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बात, इस बात का पता चल जाए। क्या मतलब? ये लिबास पहन के जो खवातीन जा रही हैं चादर ओढ़ के, ताकि लोगों को ये बात, इस बात का पता चल जाए ये किसी शरीफ घराने की औरतें हैं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा कुरान? जो पूरे तौर पे पर्दा करके निकले हैं ना, तो अल्लाह फरमाते हैं छेड़छाड़ करने वालों को इस बात का पता चल जाए ये कोई बुरे औरतें नहीं हैं, ये कोई शरीफ घराने की औरतें हैं, ताकि इनको हाथ ना लगाया जाए, इनको छेड़ा ना जाए। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कुरान की रूह से इसका अपोजिट क्या होगा? कुरान की रूह से इसका अपोजिट यह होगा, आप जो लोग पर्दा नहीं करते, बेपर्दा फिर रहे हैं और अपने लिबास को जनाब अभी पूरा बनाओ सिंगार करके फिर रहे हैं, छेड़ने वालों को पूरा मौका है। कुरान खुद बोल रहा भी है उनको मौका है, क्योंकि मालूम है अब ये शरीफ औरता नहीं होते। शरीफ औरत वो थी जो पूरे पर्दे में आई थी, ताकि उन्हें पता चल जाए ये शरीफ घराने के और इनको छेड़ा ना जाए। आप पढ़ लीजिए सूरह निसा। अब इससे खुद कुरान ये कह रहा है, खुदा ना खासा अगर कोई मुकदमा अदालत में चले जाए और वो कहे कि भाई मुस्लिम परसल्ला के तहत आप फैसला कीजिए, जज साहब बोले तो अगर कोई शाना रहा वहाँ पे तो ये आयत निकालता होने। देखो साहब कुरान में बात है क्या है, जो पर्दा करने वाली औरतें हैं वो तो शरीफ, अगर वो उनको अगर हम छेड़े तो मुजरिम है, उनको छेड़े तो मुजरिम है, खैर जुर्म किया हुआ है। ये तो खुद ब खुद अपना हुस्न बताते नहीं कि फिर रहे रोडों के ऊपर, तो मुजरिम नहीं है। ये खुद चाहते हैं कि लोग हमें देखें, लोग हमें छेड़े, क्या भाई है ना। ये बात अल्लाह कुरान में बोला, अगर कोई हमारी माँ बेटी को, बहन भाई को अगर ऐसी हालत में घर के बाहर निकली है वो, तो उनको छेड़ रहे तो जनाब अली कोई कसूरवार उनका नहीं है। ये अल्लाह की किताब के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, इस निज़ाम में ये बात अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं ना, कितनी बारीकियां हैं आप देख रहे हैं। और हमारे पास आज हालत क्या है बुरखे पर्दे से मुतालिक, हमारा लिबास कैसा है? पहले लोग गुरबत की वजह से, कपड़ा महंगा होने की वजह से अपने जिस्म को छुपाने के लिए उनको कपड़ा नहीं मिलता था, लोग पेवाना डाल लेते थे, फट्टे रहते थे, ये सब होता था। और आज जनाब अली फैशन के उनवान से आज पूरा एक डिज़ाइन के नाम से पूरा जिस्म जिस तरह है तराश खराज के उस तरह टेलर जनाब अली पूरा नाप लेके आपका पूरा जिस्म बता रहा हूँ, है ना, जिसका नाम भी दे दिए। क्या नाम दे दिए गए? फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, वो अलग होगा, ये मॉडलिंग फैशन टेक्नोलॉजी। और करो, आज ये हालत है आज, और जिस्म के ऊपर कम से कम कपड़ा पहन के ये समझ रहे हमारे औरतें, लड़कियां, भाई ना बेटियां, हम बड़े मुहज्जिब हैं, हम वो पुराने हैं, वो दखियानी सी लोग हैं, वो बुरखा पहने थे। और हमारे पास बुरखों का नाम भी आ गया, डिजाइनर बुरखा। डिजाइनर बुरखे के माने क्या है आपको? यानी ऐसा डिजाइन जो आपकी पूरी साख्त को बता रहा हूं जिस्म की। अच्छी वो गरीब बुरखे बना दिए गए, नहीं देखने वाला भी देखना उन्हें डिजाइनर। तो जाहिर है कि जब हमारा माशरा हमारे ऊपर, नमाज के ऊपर बहुत वाजो बयाज होना रहा, हज के फजाइल बहुत बयान किए जा रहे हैं, लेकिन असल माशरा कुप्पा है आपका, शैतान की लपेट में है सारे इस वक्त ये मामला जो है। आज हमारी माँ और बेटियां, बहने, जनाब अली आज दूसरों के हवाले हो चुके हैं तकरीबन, उसके बावजूद भी हमें कोई अफसोस अगर नहीं है, हम बेदार नहीं हो रहे, तो फिर हो सकता है कि एक दिन हमारे घर के ऊपर भी ये बला आ जाए। उससे पहले आप संभल जाइए। मैं इसीलिए मौजू को रखा आपके सामने खास तौर पे, क्योंकि चल रहा है मौजू, और इसमें जमीयत उलमा इनका भी जनाब अली बाज़ाब्ता एक अपील किए उन्होंने कि तमाम मेहराब और मेंबर से इस वक्त मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ ना, इसके ऊपर तवज्जो दिलाए उम्मत को, उम्मत की आंखें खोले। गफलत में है तालीम के अनुमान से, हम हमारी बच्ची कॉलेज को जा रही, हमारी बच्ची फलां जा रही, हमारी जगह फलां जा रही है, वो फलां फलां, हम बिल्कुल खामोश है अपनी जगह।
क्या हो रहा नहीं मालूम, ये जो आग है ना पहले चिंगारी लगती है, सिलगती है, ये पता नहीं चलता फिर कब जनाब ये आग भड़क उठी, लपटे भी ले लिया। उसको कोई कुछ नहीं कर सकते, ना माँ ना बाप, कोई नहीं, कुछ ही नहीं कर सकते आप। और फिर कानून भी आपके खिलाफ है, कानून भी उनकी मदद करने वाला है। अगर आपको ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जेल हो जाते हो, है ना। फिर कर क्या रहे हैं हम, घर के अंदर तरबियत क्या है, बच्चों का लिबास हम कैसा पहना रहे हैं बचपन के अंदर। लिबास का आदि तो उसको बचपन से बनाना है आपको, बच्ची है तो उसका पूरा पूरा जिस्म ढांकना है बच्ची का ही, ये मत बोले अभी बच्ची है ये। हम बच्चों को ऐसे लिबास पहना रहे हैं जनाब आली, जनाब आली, बाद में फिर उसी तरह लिबास पहनना चाह रही हूँ बड़े होने के बाद भी। अब उसको फुल लिबास या कुर्ता पैजामा शर्ट शलवार पसंद नहीं आ रहा, उसको स्कॉट पहनना चाह रहे हैं, पतले कपड़े पहनना चाह रहे हैं, तराश खराश के पहनना चाह रहे हैं, सख्ते के साथ मना है। अब बताइए आप क्या करेंगे। एक आखिरी बात है इसमें, सूरह हिजाब के वो भी सुन लीजिए आप, ये 12वां पारा है, 22वां पारा है, शुरू होता है उसके बाद एक आयत आ रही है, या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिन निसाई, कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है, नबी की बीवियां हैं, तुम तो रोल मॉडल है दूसरी औरतों के लिए, है ना। उसके बाद क्या बात फरमाई जा रही है, إن اتقيتن فلا تقزان بالقول فيتمع الذي في قلبي مرض وقلنا قولا معروفا। ये बात आ रही है, आगे चल के भी एक आयत आती है जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, अगर ऐ मोमिनो अगर किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़ जाए और नबी के घर को जाओ तुम और नबी के घर से कुछ लेना चाहो तो वहां क्या अल्लाह हुक्म दिया और नबी नहीं है, और वैसी कोई चीज मांगना चाहो, बस अलूना मिन वराई हिजाब, कि तुम नबी की बीवियों से पर्दे के पीछे से कोई चीज मांगो। कौन है नबी की बीवी है, माँ है, माँ वाह हुकुम दे रहा अल्लाह ताला। अब हमारे पास क्या है, गोशा पर्दा कुछ भी नहीं है, ये मुमेरा भाई भी जिब्बल के गुजारा घर में, टीचरा भाई भी जिब्बल के गुजारा घर में, तहरा भाई भी जिब्बल के गुजारा घर में, फुपेरा भाई भी जिब्बल के गुजारा घर में, समझ में आ रहा। अरे भैया, अरे नहीं, हमारा फुफेरा भाई है, चेहरा भाई है, अरे बचपन से आता है इन्हें, अल्लाह क्या बोले, जो लोग बच्चे थे वो आ सकते थे, जब ये बच्चे बालिग हो जाएं तो उन्हें भी उसी तरह इजाजत लेना चाहिए जिस तरह दूर से मर्द ले रहे हैं, सूरह निसा में, सूरह नूर में, अब उन्हें भी इजाजत लेके घर में आना चाहिए जिस तरह दूसरे लोग इजाजत ले रहे हैं। अब ये बच्चे नहीं है, जब तक बच्चे थे ठीक है, लेकिन अब ये बालिग हो रहे हैं, उनके अंदर शौर आ रहा है, अब वहां उनको पाबंदी लगा। और नबी की बीवियों को फरमाया अल्लाह ने कि देखो मांगना है तो मैं मुसलमान हो जाके मांगो, लेकिन पर्दे के पीछे से मांगना। और यहां पे नबी की बीवियों के मुतालिक फरमाया अल्लाह सुभान व तआला, देखो अगर तुम्हारे घर पे कोई आदमी आए, ये आदमी से मुराद कौन हो सकते उस जमाने में, सहाबा इकराम, और वो ऐसे वक्त में नबी घर पे नहीं है तो क्या करना है। अज़वाज मुतहरात को अल्लाह क्या हुक्म दे रहा ऐसे ऐसी हालत में, क्या फरमाया देखिए अब, जब नबी नहीं है, कोई आए साहबी आके पूछ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जो हुक्म दिया गया है ना वो क्या है मालूम, फला तकज़ाना बिल कौल, कि तुम जो आदमी आया है मुख्तसर बात करो, नाम क्या है, काम क्या है, कहाँ से आए, इतनी बात, तीन ही जुमले, लंबी चौड़ी बात नहीं, क्या फरमाया, अच्छा वो उतनी ही बात करना है तो तुम्हारा लब वो लहजा बदल के करना पड़ेगा। अब तुम्हें जो लहजा तुम्हारे घर में बात करने का था वो लहजा, यानी तो अपने लहजे को बदलो, क्या बदलो, फला तखजाना बिल कौल, कि तुम अपने जुमलों के अंदर कोई नरमी नहीं पैदा करना, आवाज में कोई सुरंग नहीं होना तुम्हारे,
वो गैर मर्द से बात करते हुए कोई आदमी आया है तो बात तो करो, लेकिन तुम्हारी आवाज बदल के रहना, तुम्हारी आवाज में थोड़ी खड़खड़ाहट पैदा हो जाना, मर्द की आवाज, समझ में आ रहा, इस अंदाज में बात करो। क्यों ऐसा? अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِي مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا। देखिए अल्लाह हमको बनाया है, अल्लाह जानता है किसके दिल में क्या है, किसके नफ्स में क्या है, औरत को मर्द को अल्लाह बनाया है, समझ में आ रहा। हाँ, यहाँ तक के ये बात हदीस में आती है ना, देखो जिस घर में अगर दो नो औरत और मर्द है और गैर महरम है तो शैतान है, शैतान है वहाँ, इसीलिए मना, यहां तक मना किया गया। अगर आपके घर में जवान बहन है और भाई घर में अकेला नहीं रह सकता, मना है अकेला, इतनी पाबंदियां लगा दी गई। आपके मामला नफ्स का है, यहां आदमी बड़े आसानी से मार खा जाता है, और हम देख रहे हैं भी कैसे हालात ऐसे पैदा हुए भी, लोग भाई बहनों के भी मसले हो गए, अल्लाह महफूज रखे। तो बहरहाल अल्लाह सुबहानहू तआला हमारा खालिक है, हमारी फितरत को बनाया, वो जानता है क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि देखो तुम अपने आवाज़ के अंदर कोई नरमी, कोई नज़ाकत, कोई राग, कोई तरन्नुम नहीं पैदा करना, तुम्हारी आवाज़ बदल के थोड़ी कड़कदार आवाज़ में बात करो तुम मर्द के लहजे में। क्यों अल्लाह फरमाते हैं फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मारूफा। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसके दिल में अगर कोई बीमारी है इश्क की, हाँ क्या फरमाया, कोई अगर बीमारी है इश्क की, कोई बीमारी है उन्हें सेक्स का, तो वो अल्लाह फयत्मा अल्लज़ी, उसको एक उम्मीद पैदा हो जाती तुमसे फिर, देख रहे हैं कितनी नाजुक चीज को पकड़ा कुरान ने। فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِي مَرَضٌ, कोई अगर ऐसी बीमारी उसके दिल में है तो उसको तुमसे एक तमा पैदा हो जाएगी, एक उम्मीद पैदा हो जाएगी। अब उसके बाद होगा क्या मालूम, वो आदमी ऐसे वक्त घर पे आएगा जब मर्द नहीं होगा आप घर पे, ताकि वहां पे अपनी आंखों को शेकिंग आउट है, बस खाली आवाज सुन के ही चुने, बस उस तमज खुश है उन्हें, आवाज बड़ी अच्छी है यार, समझ में आ रहा। वो अक्सर जो गाने उन्हें सुनते हैं ना, बड़ी आवाज बड़ी सुरेली है इसकी, समझ में आ रहा, इस किस्म की बातें होती है ना। ये अल्लाह सुबहानहु तआला डिक्लेयर कर दिया है फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मारूफा, अगर उसके दिल में कोई बीमारी है तो तुम उसको उम्मीद मान के चला जाएगा, खबरदार व क़ुलना क़ौलन मारूफा, बात तुम उसे उतनी ही करो जितनी ज़रूरत की है, उसके बाद खुदा हाफिज़। कुरान बोला, ये कौन सी आयत है, ये 22वां पारा है, सूरह हिजाब है, 22वां पारा पूरा शुरू हो रहा, आप वहाँ पढ़ लीजिए उसे पूरा, एक सफ़ा 22वें पारे का, आपको मालूम हो जाएगा क्या है सो अल्लाह सुबहानहु तआला। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वक्त हालात जो हमारे पास हो गए हैं ना, हमको बहुत ही फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आने वाली नस्ल के लिए हमारी, क्योंकि एक तो हमारा दुश्मन बाज़ाबता इस किस्म के प्रोग्राम बना रहे हैं, वो लोग मुस्लिम बच्चों को फंसाओ, उनके साथ इश्क करो, उनके साथ ये करो, उनके साथ वो करो, ये सारी बातें आपको मालूम है। अब तो उसके बदले उसके रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं आखिर, हमारा अपना तहफ़ुज़ हम कैसे कर रहे हैं आखिर, है ना भाई। जब मालूम हो गया कि हमारा मुखालिफ ऐसा कर रहा है, करने वाला है, तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अभी अल्लाह हुक्म दे रहा है आपको कुरान में, भाई ये सारी बातें है ना, कुरान पढ़ते नहीं मैं असल में, कुरान नहीं पढ़ के हम खाली सवाब बरकत के लिए चक्कर में आ गए हम, जिसकी वजह से कुछ भी कुरान से नहीं मिल रहा हमको, कुरान पढ़ के भी हम बेहया है, बेशरम है, कुरान पढ़ के भी जनाब यार क्यों, इसलिए हम हिदायत के लिए कुरान नहीं पढ़ रहे, ये सारी बातें कुरान में है, फिर कैसा होगा हम, अब हम क्या दावत देंगे गैर मुस्लिमों को इस्लाम की, इस्लाम की तरफ कैसे बुलाएंगे उन्हें हम, क्या चीज़ बाकी रह गई अब, कुछ भी अगर हम इसलाह नहीं करेंगे हम, तो फिर जाहिर है ये कि वक्त वो आने वाला है, अल्लाह जो मोहलत पे मोहलत 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 दे रहा है ना, जब अपन इसलाह नहीं करेंगे अल्लाह ताला फिर इस कौम को ही मिटा देगा, फिर मिटा दे के दूसरी कौम को लाएगा, वो इस्लाम कबूल करेंगे और वो लोग आके ठहर देंगे कुरान लेके, हमको ख़त्म कर दिया जाएगा। वह है कुरान में बात, आपसे मोहम्मद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
या सूरह अल-फतेह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सूरत आयत है सूरह मोहम्मद की, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाते हैं, वइन ततवल्लौ, अगर तुम फिर जाओगे दीन से, पलट जाओगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को बदल के लाएंगे हम। क्या भाई है ना, आप बेहतरीन गाड़ी खरीदे, 50 लाख की खरीदे आप गाड़ी, ड्राइवर सही गाड़ी नहीं चला रहा तो क्या करते आप? गाड़ी बहुत कीमती है, ड्राइवर सही नहीं है, इस्लाम बहुत आला दीन है ना, मगर इस्लाम के अमल करने वाले हम हैं। गाड़ी बहुत कीमती है लेकिन गाड़ी चलाने वाला अन्नाड़ी है, और फौरी ड्राइवर को बदलते थे आप, फौरी ड्राइवर को बदलते थे आप। यहां भी मामला वही है, मोहलत पे मोहलत, मोहलत पे मोहलत, अगर हम नहीं सुधरे तो अल्लाह बदल देगा हमको दूसरी कौम से, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और ये बदला भी कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, उस कौम से आपको अजाब दिलाएगा अल्लाह ताला, वो कौम आपको मिलियामेट करेगी आके, और फिर वो ईमान लाएंगे, वो इस्लाम का परचम उनके हाथ में। हमारी तारीख इससे भरी हुई है, आप तो पढ़ते होंगे बगदाद की तारीख क्या हुआ, हालांकि चंगेज़ खान जो आए थे ना इस्लाम को नीस्त और नाबूद करने के बाद, उसके बाद हुआ क्या, फिर वही लोग ईमान लाए ना, वही लोग ईमान लाए, ला के फिर वो लोग जनाब आली 800 साल तक हुकूमत करे, इस्लामी हुकूमत करे वो लोग, वो कौम। तो अल्लाह तबारक व तआला जनाब आली ऐसे मरीजों को नहीं पसंद करते, ऐसे मोहलत देते हैं, लेकिन अगर उन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है अपने दीन की, अपने कल्चर की, अपने किताब की, तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला हमको बदल देते हैं और फिर दूसरी कौम को लाएंगे और उनके हाथों हमको जलील करेंगे अल्लाह ताला, उसके बाद फिर उनको लाएंगे। अल्लाह का निज़ाम है कुरान में। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह सुबहाना ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाज़त फरमाए, हमको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमको गज़ब से बचाए, अल्लाह अपने गज़ब के साथ हमको हलाक ना करे। بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم برحمتك يا رحمن الرحيم।